उसी माया का भगवत की जीव और आत्मा है। जीव और आत्मा में क्या अंतर? जीव कहते हैं जीवन को, जो जीता हुआ है वो जीव है। आत्मा जब परम धाम में है तो जीवित है, बोलती चालती है, उसको जीवन कहा जाता है। जीव किसके कहा जाता है? जीव कहा जाता है बोलते चालते को। जड़ उसे कहा जाता है जो बोलता चालता नहीं है। तो परमधाम में आत्मा है तो उसे जीव कहें या सिर्फ आत्मा कहें? आत्मा। और वही आत्मा जब इस सच रूपी रंगमंच पर आती है, कोई शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे जीव कहा जाता है। जीवित आत्मा, जड़ आत्मा नहीं। परमधाम में आत्मा ऐसे पड़ी रहती है जैसे जड़वत, बिना शरीर के कोई हलचल नहीं। कर्ण का अतीत के बारे में कृष्ण युद्ध के पहले क्यों बताता है, उसके बाद काले के लिए बताता है? कर्ण का अतीत के बारे में जो महाभारत युद्ध शुरू होता है उसके पहले क्यों बताते हैं? क्या बताते हैं उसके अतीत के बारे में? जब कुंती पुत्र हो असर करते हैं, हाँ, कि वो कुंती का पुत्र है, पहले क्यों नहीं बताते उसको? राज की बात पहले बताई जाती है कि टाइम पर बताई जाती है? है कर्ण की आत्मा कौन है? अरे कर्ण है कौन? ब्रह्मा वाली आत्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा सुनने का काम ज्यादा करती है या देखने का काम ज्यादा करती है या समझने का काम ज्यादा करती है? सुनने सुनाने का काम ज्यादा किया तो सुनने सुनाने का जो काम ज्यादा करते हैं उस इंद्रिय को क्या कहा जाता है? कर्ण। तो वो कर्ण का पार्ट है। वो कर्ण वाली आत्मा कुंती से जन्म लेती है। वो कुंती कौन है जो आदि से लेकर के अंत तक दिखाई गई है, कौरव संप्रदाय में रहती है? छोटी माँ। वो छोटी माँ ने जब समझाया यज्ञ के आदि में, तब उसको निश्चय बैठा मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मुझे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। निश्चय बुद्धि बने। कुंती कहते हैं जिसको ज्ञान योग के पंख हो, उसे कुंती कहा जाता है। वो असली योगिनी है, अंदर अंदर ज्ञान भी भरा हुआ है, परंतु कौरव संप्रदाय में रही पड़ी है। उसका पार्ट ही बकरी का बताई दिया। त्रिमूर्ति में एक है बकरी, एक है घोड़ा, एक है शेर। बकरी का जो कान पकड़ लेता है बस बकरी उसी की बनकी रह जाती है। एडवांस पार्टी वालों की पकड़ में आ जाएगी तो यहाँ शेरनी बन जाएगी। और शेरनी के चित्र में जो डूबी जा डूबी जा दिखा, राज करेगा खालसा। जब कन्याएं माताएं देवियों के रूप में राज्य करेंगी सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर, तो वो राज्य परिपूर्ण राज्य होगा या अधूरा राज्य होगा? है परिपूर्ण राज्य होगा। विश्व की बादशाही विश्व के बादशाह के हाथ में होगी या देवियों के हाथ में होगी? है विश्व के बादशाह के हाथ में होगी? नहीं, कन्याओं माताओं के हाथ में होगी। तो जो कन्याएं माताएं देवियां हैं वो देवियां परिपूर्ण हैं या अपूर्ण हैं?
अपूर्ण है। अपूर्ण के हाथ में सत्ता होगी तो विश्व की बादशाह ही प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी। इसलिए विश्व का बादशाह भगवान जब स्वयं प्रत्यक्ष होता है तो देवियों की डूबी जा हो जाती है। वो चाहे देवियों के रूप में हो, चाहे गणेश के रूप में हो, चाहे हनुमान के रूप में हो, सभी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे चलने लग पड़ते हैं। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वो ही विश्व के महाराजा महारानी प्रत्यक्ष हो जाएंगे और बाकी देवियों की पूजा क्या होगी, खलास हो जाएगी। जैसे बेसिक में जो भी एडवांस में आते गए उन्होंने बेसिक की देवियों की डूबी जा कर दी या नहीं कर दी, है डूबी जा कर दी। वो हद की बात हुई, बेसिक की बात हुई। अभी एडवांस में ये नजारा सामने आवेगा। और हरिद्वार में लक्ष्मण का झूला नहीं है, ऋषिकेश में है। क्या ऋषिकेश में पहाड़ से जब गंगा नीचे उतरती है हरिद्वार में मैदान की ओर, तो पहाड़ी पर लक्ष्मण झूला दिखाया गया है। क्या किसका झूला? लक्ष्मण का झूला। दो आत्माएं विशेष दिखाई गई हैं रामायण में, कौन कौन? राम और लक्ष्मण। महाभारत और भागवत में उनका नाम क्या दिया गया है? कृष्ण और बलराम। जो राम भगवान है वही भागवत में और महाभारत में कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया है। तो कौन सी आत्मा की बात है? वो भगवान के रूप में जो भागवत में या रामायण में दिखाया गया है वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा कि कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा है जिसमें भगवान शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। बाकी उनकी सहयोगी आत्मा कौन? नहीं, अरे भगवान की सहयोगी आत्मा कौन? राम देवी सीता। राम वाली आत्मा तो भगवान के रूप में दिखाई गई साकार में, फिर उसकी सहयोगी कौन है? लक्ष्मण। सीता नहीं, बलराम। तो बलराम कौन हुआ? राम का बल कौन हुआ? लक्ष्मण वाली आत्मा। उसको संकर्षण भगवान के रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, सात फनों वाला सांप या पांच फलों वाला, जिस सर्प के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है ऐसे दिखाते हैं। पृथ्वी कब कही जाती है? पृथिव्यातीति पृथ्वी, जो फैलती जाती है उसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी को माता दिखाते हैं। पहले कन्या होगी कि पहले पृथ्वी माता होगी? पहले कन्या थी, कन्याकुमारी, पर जब फैल जाती है द्वापर युग से इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती है वैसे पृथ्वी का विस्तार बढ़ता जाता है, धर्मखंड बढ़ते जाते हैं, तो पृथ्वी चौड़ी चकड़ी होती जाती है, फैल जाती है। तो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। और तो कन्या के रूप में किसका पार्ट है? छोटी माँ का पार्ट है। वो कुंवारी कन्या और वो अधर कुमारी। क्या बात चल रही थी? लक्ष्मण।
तो जो लक्षणों वाली आत्मा है वो पांच विकारों वाली आत्मा है। रावण के सर के ऊपर कौन दिखाते हैं? गधा। वो गधे को कितना भी स्नान कराओ, चाहे बेसिक में कराओ चाहे एडवांस में कराओ, वो फिर भी क्या बन जाएगा? गधा काहे में लौटता है? धूल में लौटता है। वो फिर भी देह अभिमानी की धूल में लौट जाएगा। बुद्धि में प्रैक्टिकली समझेगा गीता का भगवान कौन, गीता का साकार भगवान कौन, किसको समझेगा? अपन को समझेगा। जब भगवान समझेगा तो बुद्धि में फट से आ जाएगा, मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूं, मेरे संग के रंग से ये सब सुधर जावेंगे। तो सारी दुनिया नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन हुआ? है ब्रह्मा की सोल, वो ही ब्रह्मा की सोल। जब राम की सहयोगी बन जाती है तो राम का बल बन जाती है। उसे हनुमान के रूप में भी दिखाया गया है। राम को ताकत देने वाली आत्मा कौन सी है? हनुमान के रूप में दिखाई जाती है। सारी अंका में लाग लगाने के निमित्त बनती है। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि हनुमान की विकारी पूछ में, देह अभिमानी की पूछ में लंका के सारे सुंदर सुंदर वस्त्र लपेट दिए गए। क्या जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, कन्याएं माताएं थी, वो सारी उनकी पीछ पूछ में लपेट दी गई और ऊपर से तेल डाल दिया गया। घीतन घी नहीं, क्या डाला गया? तेल डाला गया। और फिर काम विकार की आग लगाई दी गई तो सारी लंका जल गई। फिर फिकरा बनाई दिया है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। कहां की बात हुई? ये संगम युग की बातें हैं जो भक्ति मार्ग में दोहराई जाती है। तो बलराम का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा की सोल का ही बलराम का पार्ट है। ये राम, ये बलराम, ये दोनों साथ ही आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता में भी साथी हैं, द्वापर कलयुग में भी साथी हैं और संगम युग में भी भागीदार बनकर के पार्ट बजाती है। इनका सुख का आधा आधा हिस्सा बन जाता है। शांत महासागर है, सुनामी। शांत महासागर, हाँ जी, सुनामी। सो माने सुंदर और नामी माने नाम वाला, जिसका सुंदर नाम वाला है। क्या नाम वाला है? जैसा काम कोई नहीं कर सका वो सुनामी करके दिखाती है। पहले भी चेन्नई में सुनामी आई थी, ढेर का ढेर विनाश हुआ। अभी बौद्ध धर्मखंड में सुनामी आती है। बौद्ध धर्मखंड का विशेष देश कौन सा है? जापान। जापानी लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं,
तो जो सूर्यवंशी हैं, उनमें कोई मणका है बौद्ध धर्म का मुखिया, उस बौद्ध धर्म के मुखिया के ऊपर विशेष सुनामी का प्रभाव होता है। सुनामी कोई दूसरी चीज नहीं है, मायावी हवाएं हैं जो प्रशांत महासागर में तीव्र गति से बहती हैं। हवा भी कोई देवता है या नहीं है, वायु देवता कहा जाता है। वो वायु देवता अगर उसके साथ आग और हो जाए तो प्रचंड रूप धारण करता है। ऐसी सुनामी जापान में आती है कि सारा जापान हिल जाता है, परंतु राजधानी को कोई खतरा नहीं पैदा होता, जापान की राजधानी सुरक्षित बनी रहती है। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बौद्ध धर्मखंड की जापानी राजधानी है, वो कितने भी बड़ी सुनामी आई हो, फिर वो राजधानी सुरक्षित बनी रहती है। बहुत बड़ा सागर है, नाम क्या दिया, प्रशांत महासागर। ज्यादा गहरा होगा या उथला होगा, ज्यादा गहरा नदी होती है तो शांत होकर के बहती है। ऐसे ये प्रशांत महासागर द्वापर युग के आदि से जब से चंद्रमा का खंड अलग हुआ, चंद्रमा का हिस्सा अलग हुआ, बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन गए उसमें, बहुत गहरा है, बहुत शांत रहने वाला है। लेकिन जितना ही प्रशांत महासागर शांत है, उतने ही उसमें हवाएं तेज गति से बहेंगी या धीमी चाल से बहेंगी, है तेज गति से बहेंगी। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच में कोई भी दूसरा द्वीप खंड नहीं है, महाद्वीप नहीं है जहां पहाड़ से हवाएं टकराएं और मध्यम गति हो जाए। वो ही सुनामी की टक्कर कहां हुई जाकर के, जापान के किनारे। बाप बहुत डिप्लोमेटिक है, दुनिया वाले समझते हैं हम डिप्लोमेसी में रहते हैं, हमारे मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यहाँ डिप्लोमेटिक सबसे बड़ा कौन है, बाप है। कहते हैं मैं बहुत रमतु रमजबाज हूँ, इस बात में मेरी चक्कर कोई नहीं ले सकता। बाबा सत्य हरिश्चंद कितनी भी बड़ी मुसीबत में झूठ नहीं बोलता, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को बेच दिया, क्या पत्नी और बच्चों को बेचना झूठ बोलने से बड़ा पाप नहीं है? जब उसने विश्वामित्र को सारी राजधानी सारा राज्य अर्पण कर दिया, तो राजधानी में बीवी बाल बच्चे नहीं आते हैं क्या, हैं? वो भी आ गए, तो वो हरिश्चंद्र के रह गए या जिसको अर्पण कर दिए उसके हो गए? या ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है, हैं? सारे विश्व का मित्र कौन है? उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या?
राम बाप का भी दुश्मन बनता है, शिव बाबा, शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है, उसे दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है, महादानी राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा महादान दिया? बच्चे तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व की बात सही दूंगा। तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद्र के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो भी अर्पण करने पड़ते हैं। सत्य की धारणा बहुत गहरी बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर सत्य असत्य की जानकारी सबको हो तो बड़े बड़े जज बैठाने की क्या जरूरत है? एक एक जज को लाखों रुपया पगार देनी पड़ती है, ये सब करने की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे होशियार लोगों को जज के पद पर बैठाया जाता है, वो सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। बाबा मिनी मधुबनों में छोटी छोटी बच्चियां सरेंडर होती हैं, क्या वो अपने आप सरेंडर होती हैं? उनको इतनी अकल है, है? छोटी बच्चियों को इतनी अकल है कि वो अपने आप सरेंडर हो या ना हो? अकल किसको है? उनके पालने वाले माँ बाप को अकल है। तो वो अपनी अकल के आधार पर अपनी रचना को सरेंडर करते हैं। रचना का फर्ज क्या है? किसके अंडर में रहना? रचयिता के अंडर में रहना। तो माँ बाप ने जब बच्ची को अर्पण कर दिया तो जिसको अर्पण किया है उसके अंडर में चलना चाहिए। तो 84 जन्म भी उनकी रचना उनके अंडर में चलेगी। अगर वो सरेंडर होने वाली कन्या जब बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद कहती है कि मैं तो जब नाबालिग थी, बच्ची थी, तब मेरे माँ बाप ने सरेंडर कर दिया था, मैं थोड़े ही सरेंडर होना चाहती थी, तो सही कहती है या गलत कहती है? सही कहती है, सही बोल रही है। हाँ बाबा, माने माँ बाप ने झूठा काम किया। माँ बाप इस समय तो बुद्धि विकसित नहीं थी ना बाबा। हाँ, वो अपने माँ बाप के अंदर थी, अंडर में थी, तो माँ बाप ने बुरा काम किया। बुरा काम नहीं किया, परंतु क्या हुआ? क्या वो उसकी बुद्धि 18 साल की हो गई? विकसित बुद्धि हो गई। बुद्धि हो गई हाँ, क्या वो अपना निर्णय ले रही है स्वयं के बारे में? हाँ, सही काम कर रही है ना? सही काम कर रही है, माने ईश्वर जो आया हुआ है और ईश्वर ने सरेंडर किया हुआ है, तो ईश्वर ने गलत काम किया और कन्या को बरगलाने वालों ने अच्छा काम कर दिया। बाबा ने सही काम किया। अरे 18 साल से पहले कन्या बरगलाई जाती है कि नहीं बरगलाई जाती है? बरगलाने वाले दुर्योधन, दुशासन है, कीचक है या कोई दूसरे हैं? बाबा परंतु
जो कन्या अच्छे वातावरण में पल रही है, मुरली सुन रही है, ज्ञान योग में बैठी हुई है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो गई? जरूर कोई बाहर का आक्षेप आता है उसके ऊपर, कोई दुर्योधन दुशासन पीछे पड़ते हैं, कोई कीचक पीछे पड़ते हैं, जो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छा भोजन मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है, बाबा की मुरली मिलती है, बाबा का वातावरण मिलता है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम तो यज्ञ से बाहर रह करके अपना जीवन बनाएंगे। इसका प्रभाव पड़ा, उनके माँ बाप का प्रभाव पड़ा या कोई भगाने वाले का प्रभाव पड़ गया? बाहर बुद्धि क्यों जाती है? कोई रावण ने अटैक किया या नहीं किया? ये अटैक हुआ। कन्याएं जो हैं कोमल बुद्धि होती हैं, उन कोमल बुद्धि के ऊपर रावण संप्रदाय का असर होता है, इसलिए ऐसा होता है। पहले ये बात पूरी हो, दूसरी बात है कोई? हाँ यही बात चल रही है, दूसरी बात है, दूसरी बात क्वेश्चन करना है। दूसरी बात बाद में। तो जो अपने आप सरेंडर होती हैं, माँ बाप के द्वारा जबरदस्ती सरेंडर की जाती हैं, माने छोटी छोटी कन्याओं को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, वो तो ठीक बात है। एक भी ऐसी छोटी कन्या नहीं है जिसके सरेंडर पत्र पर साइन नहीं है। और जो कन्या स्वयं सरेंडर नहीं होना चाहती, छोटी कन्या, बाबा उसको सरेंडर करेंगे? बाबा तो और ही वापस भेज देते हैं। जब कन्या सरेंडर नहीं होना चाहती, भले छोटी बच्ची है, आज भी जज में न्यायालय में माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है, बच्चों का प्रश्न आता है ये बच्चे किसके साथ रहेंगे, तो किससे पूछा जाता है? बच्ची से पूछा जाता है, बच्चे से पूछा जाता है तुम किसके साथ रहना पसंद करते हो। तो बच्चा जब बताता है कि हम माँ के या बाप के पास रहना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के साथ भेजा जाता है। तो जो सरेंडर लेटर है उसमें बच्ची के साइन होते हैं या नहीं होते हैं? फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उसकी इच्छा के बगैर सरेंडर हुई? ये बरगलाने वालों का काम है जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बाबा के पास तो हर बात का प्रूफ रहता है। तो बोला है आगे, बोला है तो ऐसी बच्चियां या बच्चे जो रोज, जिनकी बुद्धि फिर जाती है और वो रोज क्लास तो क्या, हफ्ते महीने में भी क्लास नहीं करना चाहती, क्लास करने से ही कतराती हैं, ऐसा क्यों होता है बाबा? क्यों हो सकता है बताओ? लगन क्यों नहीं ऐसी होती है? क्योंकि छोटी बच्ची थी तब उसमें विकार नहीं थे। जब छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की थी, 13 साल की थी, तो उसमें विकार नहीं थे। लेकिन जिस घर परिवार में, जिस माहौल में रहती हैं वो कन्याएं, वहां के आसपास वाले मोहल्ले वाले और वो उनके रिश्तेदार संबंधी उस बच्ची को गंदा कर देते हैं। वो गंदगी उनको बड़े होने के बाद याद आती है, जब वो नौजवान हो जाती हैं, फिर उनकी बुद्धि ज्ञान और योग में नहीं लगती है। बाबा भी मुरली बोलते हैं, कोई बाप से खराब, ये नरक की दुनिया है, कोई भैया से खराब, कोई मामा से खराब, कोई पड़ोसी से खराब, कोई गुरु टीचर से खराब, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर से भी गंदे होते हैं। कन्याओं के बच्चियों के साथ दुश्मन बन जाते हैं,
इसलिए मुरली में बोला कन्याओं के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना है, माँ। माँ के संरक्षण में बच्ची सुरक्षित रह सकती है। कहाँ नहीं आते हैं? हाँ, बच्चे को क्या करके बुलाना पड़ेगा? क्या करके बुलाना पड़ेगा? कहाँ से बुलाना पड़ेगा? कहाँ से बुलाना पड़ेगा? क्लास में आने के गीता पाठशाला। गीता पाठशाला में? वो गीता पाठशाला की बात नहीं हो रही है, ये सरेंडर होने वाले बच्चों की बात हो रही है। माता जी, आपने लौकिक क्वेश्चन क्या? अच्छा, लौकिक दुनिया में, बाहर की दुनिया में रहे पड़े हैं, सरेंडर नहीं हुए हैं, नॉन सरेंडर बच्चे हैं, हाँ, उनके बारे में क्या? माँ बाप क्लास रोज करते हैं। माँ बाप रोज क्लास करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते हैं तो जरूर उनको संग के रंग से माँ बाप ने बचाया नहीं है। माँ बाप अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी रचना को छोला छोड़ दिया है। उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि बाहर की दुनिया के उनके ऊपर संग न लगे। और कन्याओं को तो बहुत ज्यादा संग का रंग लगता है, कुमारों को इतना ज्यादा नहीं लगता है। है? अरे सुने तो एक बाप का तब जब एक बाप के अंदर में हो। विभाजन हुआ, विष्णु पार्टी में चले गए लोग। हाँ, वो विष्णु पार्टी वाले संगठन में आना चाहते हैं। हाँ जी, तो उनका उद्देश्य मेरे ख्याल से कष्ट से है, तो उनको आने में चाहिए। बाप तो कहते हैं यहाँ एक ही हट्टी है, दूसरी कोई हट्टी ही नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति की। और सारी दुनिया की मुक्ति जीवन मुक्ति होनी है या विष्णु पार्टी में या कोई पार्टी में जाने वालों की नहीं होनी है? सारी दुनिया की मुक्ति जीवन मुक्ति एक ही हट्टी से होनी है, तो कहाँ जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? उनका भाव जो है तर्क करने की है। क्या तर्क करने की है? पार्टी में आकर के तो कौन मना करता है? आओ तर्क करवा के, सामने क्यों नहीं आते? जरा सामने तो आओ, चलिए। यहाँ कोई डरता है क्या? डरने वाले सामने नहीं आवेंगे। मुरली में बोला है जो महावीर होंगे वो तो कहेंगे आज सामने आ जाओ, कल आते हो तो। उनके अंदर चुड़ैला भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, इसलिए वो सामने नहीं आ सकते। जिनकी बातों का कोई आधार ही नहीं है, निराधार बातें करते हैं। यहाँ एडवांस पार्टी में तो हर बात का आधार है, मुरली सबसे बड़ा आधार है जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है। फिर ब्रह्मा के द्वारा बनवाए हुए चित्र सबसे बड़े आधार है। फिर ब्रह्मा के पैदा किए हुए ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही निकलते हैं वो सबसे बड़े आधार है। पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी में जाने वाले हो जो एडवांस पार्टी वालों का विरोध करते हैं, वो सब एडवांस पार्टी में आकर के एक बार नाक रगड़ चुके हैं और अपना बाप साबित कर चुके हैं, कागज पर लिख करके दे चुके हैं ये हमारा बाप है। तो वो दोगले हैं या साबुत बाप के बच्चे हैं, उनसे वो क्या बात करेंगे? हमें ताकत नहीं है सामने आकर के बात करने की। चोर हैं, ये वो हैं जिनको मुरली में बोला है लंपट, कीचक, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं।
बाबा ये तो जगदम्बा का झाड़ू तो लग नहीं था ना, तो इनको तो निकल नहीं था। अभी झाड़ू नहीं लगा है? अभी तो झाड़ू लगने का टाइम वो क्या के विजयादशमी के बाद का होता है, जब